नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर SSC प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों, आज ये हमारा फोर्थ सेट होने वाला है, ठीक है, यानी कि फोर्थ सेट होने वाला है मैथ्स का, ठीक है, जो कि पेपर आपका बेसिकली बेस्ड है MTS प्रीवियस ईयर पे, ठीक है। और ये हुआ था 6 अगस्त 2019 को आपका ये पेपर हुआ था MTS का, ठीक है। तो इस पेज पे क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल ये समझ लो कि लगभग ऐसा ही पेपर जो आगे आएगा, जो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं MTS के पेपर, वैसा ही आएगा। और इसी से रिलेटेड जो SSC GD का पेपर है वो भी लगभग ऐसा ही आने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग ये सब पेपर करके जा रहे हो ना, तो ये समझ लो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा और आप कम से कम 25 में से 25 क्वेश्चन सही करने के लिए पूरा रेडी हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे पहले यार, आप सभी लोग इस चैनल को अगर आई गए हो, ठीक है, और आप कर ही रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, तो जरूर इस चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों में जरूर कर दो यार, शेयर कर दो ताकि और भी लोग आ जाएँ, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो जो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वर्ग की अंत्य त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात बताना है। देखो, इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये मान के चलो, ये रुक जाओ कि देखो ये एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक ये सर्कल है, ये, ठीक है, और ये सर्कल के अंदर ये जो आर बन रही है ना, ये हो गई आपकी अंतः त्रिज्या, ठीक है। और कह सकते हैं कि ये जो इसके बाहर से जो रे जो सर्कल बनेगा ना, ये, ठीक है, ये बाहर से बनेगा और इसकी ये जो आर होगी ना, ये हो जाएगी आपकी परित्रिज्या, ठीक है, यानी कि सर्कम रेडियस। तो अब बताओ, मैं मान के चलो कि मान लो कि अगर ये जो इसकी वर्ग की भुजा है ये 2 है, ठीक है, 2 है, तो ये बताओ मेरे को कि ये जो आर हो जाएगा, यानी कि आर हो जाएगा वो 1 हो जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा इस चीज़ के बराबर हो जाएगा, यानी कि पूरा ये 2 हो जाएगा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। अगर हम करें सर्कम रेडियस की बात करें, तो एक बार बताओ, अगर ये 2 भुजा है, ये 2 हो जाएगा, तो अगर मैं इसका ये कर्ण निकालूंगा, ठीक है, ये कर्ण निकालूंगा, यानी कि इसका इसका इसको क्या बोलते हैं, इसको विकर्ण, ठीक है, अगर मैं विकर्ण निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 2√2 हो जाएगा। तो इसकी जो आर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी √2। तो यही तो आपको पूछ रहा था, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1√2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू में 52, ठीक है, और एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू दे रखा है 20। तो आपको बताना है कि एक्स रेशो वाई बताना है, एक्स रेशो वाई बताना है। सीधी सीधी सी बात है कि ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये कट गया, यानी कि इसको मैं जोड़ दूंगा, तो ये कितना हो गया 2x इजिकल टू में 50, 70 और 1, यानी कि 72। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 36। x कितना हो गया, 36। अगर मैं y की बात करूं, तो जब मैं इसको घटाऊंगा तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 2y इजिकल टू में 52 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा, 32। तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा, 16। तो y कितना हो गया, 16। अब देखो, 4 9 36, 4 4 16, यानी कि रेशो क्या आ जाएगा, 9 और 4, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9 और 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7/16, 21/32 और 49/8 का महत्तम सामपत्रक, यानी कि HCF निकालना है, ठीक है। तो अगर HCF निकालना है, तो HCF के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो इसका अपर होगा, यानी कि उसका तो HCF निकालेंगे, और जो इसका नीचे का होगा, ठीक है, इसको इसका क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे LCM, ठीक है। तो देखो, 7 और 21 और 49, इसका HCF कितना हो जाएगा, ठीक है, इसका HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखो HCF, देखो इसका कितना हो जाएगा, यानी कि 7 21 और 49, इसका HCF देखो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाऊंगा तो 14 आ जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा 8, और 4 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 28, ठीक है। अगर मैं करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 14। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, इसका HCF कितना हो जाएगा, 7। 7 आ गया ऊपर, अब नीचे का क्या निकाल दूंगा, भाई नीचे का निकाल दूंगा मैं LCM, तो LCM कितना आ जाएगा इसका, LCM आ जाएगा इसका 64 आ जाएगा, ठीक है, LCM 64, क्यों, LCM तो 32 ही आएगा, ठीक है, LCM कितना आ जाएगा, 7/32, ठीक है, क्योंकि देखो 16 के टेबल में 32 आता है, 8 के टेबल में 32 आता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7/32, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये 7/32 आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं।
ए तथा बी की मासिक आय कितनी दे रखी है, 12,000 और 8,000। देखो ये मासिक आय दे रखी है 12,000 और 8,000। अगर इनका जो मासिक व्यय, अगर मैं इसमें से बचत घटा दूं, जो कि बचत क्या है, सेम है, यानी कि यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं, बचत सेम है, बचत को मैं एक्स मान लूं और इन दोनों में से एक्स घटा दूं, तो इनका रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 5 और 3 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12 36,000, ठीक है, माइनस का एक्स 3x, ठीक है, इक्वल टू में 5 8 40,000 और माइनस का 5x, ठीक है, माइनस का 3, ये इधर जाएगा, किसका आ जाएगा, यानी कि प्लस का 2x, और ये किसका आ जाएगा, 36 40 में से 36 जाएंगे तो आ जाएगा 4,000, यानी कि 4,000, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2,000। तो अब ये क्या पूछ रहा है, तो प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाते हैं, यानी कितनी बचाते हैं, 2,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई जेड 360 दे रखा है और बताना है कि ये आपको वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको इन सब की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि वाई और जेड माइनस एक्स, यानी कि वाई और जेड माइनस एक्स। देखो 4 3 7 2 9, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है 360, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, यानी कि तो वाई कितना हो जाएगा, वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई का रेशियो कितना है, यानी कि 3, यानी कि 40 दिया 120, ठीक है, प्लस जेड कितना है, 2 40 दूनी 120, और एक्स कितना है भाई, एक्स कितना है, 4, यानी कि 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16, यानी कि 160, 120, 240, 240 में से आप अगर 160 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 80, आपका 80 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ गलत हो गया क्या, कुछ गलत हो गया, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ भाई, 40, वाई की वैल्यू 40 थी 120, 40 दूनी 80 हो जाएगा, ठीक है भाई, 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 160, और 200 में से 160 जाएगा कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो 40 आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। D3 और D8 में खड़ी कारों की संख्या का अंतर बताना है। देखो D3 ये रहा, और D3 में कितनी कार खड़ी है, यानी कि 281, ये D3 और D8, यानी कि D8 में कितनी खड़ी है भाई, D8 में खड़ी है 322, यानी कि D8 में कितनी खड़ी है, 322। अब क्या बताना है, इन दोनों का अंतर बताना है, यानी कि 2 में से 1 गया 1, 12 में से 8 गया 4, यानी कि 41 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 25। अब एक बार बताओ, यानी कि 5 और ये 5, ये तो आपके आप हो गया साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कि टोटल कितना हो गया, 10%। अगर मैं इसी तरीके से 5 और 5 और कितना हो जाएगा, 25 के बटे में 100, अगर मैं ये निकालूँ SI, यानी कि CI, सॉरी, यानी कि 10.25, ये आपका क्या हो गया, यानी कि CI की रेट आ गई। ये मैंने क्या निकाला, ये निकाला मैंने नेट रेट, ठीक है, क्या निकाला मैंने, मैंने निकाला नेट रेट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो इसका अंतर है वो 25 है, देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10.25 है, ठीक है, तो इसका अंतर कितना हो गया, यानी कि 0.25, 0.25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25। तो आपको क्या निकालना है, मूलधन कितना था, मूलधन कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.25% की वैल्यू कितना है, 25, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 25 के बटे में 25 इंटू में 100, और ये जो यहाँ से पॉइंट हटाया था और इसका भी 100, ठीक है, 25 से 25 कट गया, तो आपका आंसर कितना हो गया, 10,000, ठीक है, 10,000 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर इतना है। यार एक बात समझो कि अगर मान के चलो कि आपका जो CP है वो 100 है, ठीक है, वो आपका CP कितना है, 100। अगर मैं इसको 20% लाभ पे चलता हूँ तो कितना हो जाएगा, 120। अगर 18% हानि पर बेचता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा यानी कि 82। क्लियर हो गई बात, ठीक है, तो ये SP1 हो गया और ये SP2 हो गया, ठीक है, मान के चलो, और इन दोनों का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 570, यानी कि 18 तो यहाँ पे और 20 यहाँ पे, यानी कि 20 30 38 38 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 570, ठीक है, तो इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है, 12% हानि का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 88%, यानी कि 88% की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 570 के बटे में 38 इंटू में 88, ठीक है, 19 दूनी 38, 19 57, 2 एकम 2,
दो पंजे 10, यानी कि 15 के बटे में 88, 15 अट्ठे 120 की 12, 15 अट्ठे 120, 130 और 132, यानी कि 1320 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1320 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पार्किंग क्षेत्र में सभी 10 दिन में खड़ी कारों की कुल संख्या बतानी है। ठीक है, देखो आप सबको जोड़ देंगे, यानी कि 242, ठीक है, ये 242, ये 262, ये 281, ये 309, ठीक है, ये 312, ये 314 और ये 318 और ये 322, ठीक है, और ये हो गया 346 और ये कितना हो गया 356। देखो दोस्तों, इन सबको जोड़ना है आप सभी को, तो ये तो आप जोड़ ही लेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ के आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, यानी कि एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है और वाई वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। एक्स तथा वाई और जेड, यानी कि देखो एक्स वाई और जेड एक साथ मिलकर उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, तो जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है। देखो इसका ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना ले लें इसका, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसका, चलो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 90। ठीक है, 15 × 75, 15 × 6 90, 30 × 3 90 और 9 × 3 90, ये क्या आ गया इसका, ये आ गया इसका यानी कि एफिशिएंसी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कि एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई क्षमता। तो अब मेरे को बताओ एक्स की वैल्यू कितनी थी, यानी कि एक्स कितना था 6, वाई 3, तो अब देखो इन सबको डोल के कितना आ रहा है 10, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो बताओ जेड यानी कि 90, टोटल टोटल काम कितना हो गया 90 और इसकी एफिशिएंसी कितना हो गया, यानी कि 1 की दर से काम करेगा बटे में 1, यानी कि टोटल आंसर कितना हो जाएगा 90 डेज, यानी कि ये अकेला जेड करने में 90 दिन लेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3000 की राशि को 20% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो इसका नेट रेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे नेट रेट, यानी कि 20% 20% और 20 20 कितना हो जाएगा 400 के बटे में 100। ठीक है, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 20 20 यानी कि 44% हो गया, यानी कि आप 3000 का 44% निकालोगे तो वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 0 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, यानी कि 1320 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से, कोई इसके अंदर पजल वाली बात नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबका हो गया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2π r h = कितना दे रखा है, 25 344, यानी कि इसको मैं खोल दूंगा, 2 × 22 / 7 × r × 32 = 25 344। ठीक है, 11 × 22, 11 × 22, 11 × 33, 11 × 4 44। ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 3 × 4 = 28, 4 × 6 = 24। ठीक है, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96। ठीक है, 2 × 1 = 2 यानी कि 18, यानी कि आर आपके पास आ जाएगी 18 × 7 यानी कि 126। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि उस बेलन का आयतन कितना है। ठीक है, यानी कि उस बेलन का आयतन कितना है जिसकी धारिता दिए गए बेलन के आयतन की पाई बटे 792 गुनी है। ठीक है, अगर मैं आयतन की बात करूं तो क्या होता है, यानी कि पाई आर, आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 126 इंटू में 126 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि एच कितना हो गया, यानी कि 32 इंटू में पाई अपन में कितना हो जाएगा, हो जाएगा 792। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, ठीक है, पाई की जगह क्या आ जाएगा, यानी कि 22/7। ठीक है, और इस पाई की जगह क्या आ जाएगा, 22 के बटे में × 7। ठीक है, अब देखो काट दूंगा मैं, 7 7 = 7 7 = 7, 7 × 8 = 56 और 7 × 8 यानी कि 7 × 7 = 56। ठीक है, ये हो गया, 11 × 2 = 22, 11 × 7 = 77, 11 × 2 = 22, 18 × 18, 18 × 4 = 72 और 4 × 4, 4 × 8 = 32। आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि 22 × 18
इंटू में 8 इंटू में 2। अब मेरे को एक बात बताओ भाई कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो कितना है, 8 6 4 4, ठीक है। अब इसके मैं लास्ट डिजिट करके एक रिस्क ले सकता हूँ। रिस्क क्या ले सकता हूँ, अगर लास्ट डिजिट अगर 4 नहीं हुई ना, कुछ और हुई, तो हमारा आंसर सही हो सकता है, ठीक है। देख जैसे देखते हैं, 2 8 16 की 6, 6 6 48 की 4, 8 2 16, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 6। यानी कि 6 किस में आ रही है, 6 आ रही है ऑप्शन बी में, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो 6336 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको जो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 6336 ही आने वाला है जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको आपको जब एग्जाम में होंगे तो इसको आपको लास्ट में करना है, ठीक है। तो चलो इसको करते, इसको कैसे करेंगे जल्दी से, यानी कि 39 के बटे में 26, ठीक है, प्लस 22 के बटे में 11, ठीक है, इंटू में 2, प्लस में 4 3 12, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 13 3 39, 13 2 26, 11 1 11, 11 2 22, यानी कि 1.5 प्लस में 2 2 4, प्लस में 12, 12 4 16, और 1 17.5, यानी कि इन सबको जोड़ने के, इन सबको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 17.5। नीचे देखते हैं, यानी कि 5 2 10 माइनस 3, ठीक है, 7 प्लस में 10 के बटे में 2 माइनस 3 3 9, ठीक है, 2 5 10, 7 5 12 में से 9 गया 3, 3 3 9, नीचे कितना आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 तो नीचे आ गया 1, यानी कि देखो 175 पॉइंट हटाऊंगा 10, 5 2 10, 5 3 15, 5 25, यानी कि 35.2 आपका आंसर आ जाएगा, 35/2, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 है, यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। सीधी सीधी सी बात है, यानी कि 1800 का 132% निकालना है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। 18 दूनी कितना होता है, 18 दूनी 36 की यहाँ से लगी 3, 18 3 54, और 3 कितना हो जाएगा, 57। देखो 57 यानी कि 76 आ रहा है, ये लास्ट डिजिट टू डिजिट कितना हो गया, 76। तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कह रहे हैं। D10 में खड़ी कारों की संख्या, D10 कहाँ है भाई, D10 ये रहा, यानी कि D10 में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, 356, और D1 में खड़ी कारों की संख्या, D1 में कितनी खड़ी हैं भाई, 242, ठीक है। D1 में खड़ी कारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। D1 में कितनी थी भाई, यानी कि 242, और कितनी अधिक है, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 114 ज़्यादा है, इंटू में 100, ठीक है। अब देखो 114 दूनी कितना होता है, 228, यानी कि ये 50% से थोड़ा कम हो जाएंगी, ठीक है, 50% से थोड़ा कम हो जाएंगी। देखो 50% होगा नहीं, 150% कब होता, जब यहाँ पे कितना होता, 228 होता, 228 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, और ये 228 से थोड़ा सा हल्का सा कम है, यानी कि 50% से थोड़ा कम होगा। आंसर आपका हो जाएगा 47.11। आप इसको ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। देखो करते हैं, 2 5 10, 2 7 14, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है, और कुछ जाता है के किसी से, ठीक है, 7 5 12, अब तो नहीं जाता, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भाई 5700 को, ठीक है, 5700 को 121 से भाग करना पड़ेगा। 121 चौक कितना होता है भाई, 121 चौक 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, यानी कि 121 चौक कितना हो गया, 484, यानी कि 484, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, 10 में से 4 गया 6, 16 में से 8 गया 8, और इक्वल टू कितना आ गया, 0। 121 सत्य, 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, और 1 847, यानी कि 47 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन आपका, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा, और पॉइंट जब 47 आ गया तो आगे का क्या करना, ठीक है। तो जब अकेला ऑप्शन 47 है, यहाँ पे भी अगर 47 होता तो हम आगे करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। छक्कों की संख्या की माध्यिका बतानी है, ठीक है, बल्लेबाजों की संख्या कितनी है और छक्कों की संख्या। देखो सबसे पहले जब भी आपको माध्यिका निकालने की बात आएगी ना, तो आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है, यानी कि अरेंज करना है, या तो बढ़ते क्रम में कर दो, ठीक है, बढ़ते क्रम में करना है, ठीक है। और देखो ये ऑलरेडी अरेंज भी है, 1 2 3 4 5,
अब देखो आपको इसका माध्यिका निकालना है, यानी कि बीच वाला नंबर कितना हो गया, 3, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि माध्यिका। इसके अंदर कुछ करना नहीं था। अगर मान के चलो यहाँ पे एक और नंबर होता, यहाँ पे होता 6, ठीक है, तो मैं क्या करता, ये 3 को और ये 4 को जोड़ लेता, यानी कितना आ जाता 7, और इसको मैं 2 से भाग कर देता, यानी कि फिर माध्यिका आपकी कितनी हो जाती, 3.5 आपका आंसर हो जाता तब, ठीक है, उस कंडीशन में, ठीक है। तो अभी कितना आंसर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? ये देखो एक ना फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि ये सीपी और ये एमपी, सीपी कैसे निकलता है, यानी कि 100% में, ठीक है, डिस्काउंट, यानी कि माइनस का डिस्काउंट रेट, ठीक है, और एमपी क्या निकलता है, 100% में प्लस में प्रॉफिट प्रतिशत, ठीक है। देखो सीपी कैसे निकलेगा, यानी कि 100 में से डिस्काउंट कितना दे रहा है, छूट कितना दे रहा है, 20% की, 100 में से 20 का कितना आ जाएगा, 80, ये सीपी आ गया, ठीक है। और मैं अगर मैं एमपी की बात करूँ तो लाभ कितना हो रहा है, 30% की, लाभ कितना हो जाएगा, 130 का। तो अंकित मूल्य कितना हो गया भाई, अंकित मूल्य हो गया 130, और लागत मूल्य कितना हो गया, 80, ठीक है। अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, ठीक है, अंकित मूल्य लागत मूल्य का, अंकित मूल्य कितना है 130, लागत मूल्य का, लागत मूल्य कितना है 80 इंटू में 100, 10 से 10 कट गई, यानी कि 1300 के बटे में 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 5, 8 6 48, यानी कि 62, यानी कि देखो 16 आ गया, तो बाकी हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका 16 आ गया तो यानी कि 162.5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग का विकर्ण, यानी कि एक वर्ग है उसका विकर्ण दे रखा है, विकर्ण कितना दे रखा है 24, तो पूछ रहा है कि उसका परिमाप कितना होगा। जब विकर्ण 24 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 12√2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 12√2 हो जाएगा, ठीक है, 12 यानी कि 12√2, ठीक है। तो इसका आंसर, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, यानी कि 12√2 इंटू में 4, 12 चौक 48√2, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली निकालते कैसे हैं, ए इजिकल टू में, नहीं, इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण कैसे निकालते हैं इसका, ए अंडर रूट 2, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको किया है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 प्लस में 16 पंचे 80 माइनस 8 चौक 32, ठीक है, 80 यानी कि 104, 104 में से 32 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 में से 2, 10 में से 3 गया 7, यानी कि 72 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा भाई, 84 इंटू में 48, ठीक है, 48 डिवाइड बाई 24 इंटू में 6 प्लस में 4 3 7, ठीक है, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, ठीक है, 6 दूनी 12 7 84, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 72 के बटे में 7 प्लस में 7 7 7 49, यानी कि 72 प्लस में 49 के बटे में 7, ठीक है। देखो नीचे 7 आ रहा है, एक सॉरी नीचे 7 आ रहा है और एक ही ऑप्शन है आपके पास, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 121 के बटे में 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9 2 11 और 7 4 11 और 1 12 के बटे में, 121 के बटे में 7, ठीक है। तो आपका 19, आपका 19 का तीसरा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि ए बी से 15% अधिक है, ए बी से, बी से अगर बी 100 है तो ये 115 है, ठीक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि 15 इसके बटे में कितने, किससे कम है, यानी कि ए से इंटू में 100, ठीक है, 5 3 15, 5 2 10, 5 3 15, यानी कि 300 के बटे में कितना आ जाएगा, 23, 23 एकम 23 7, 23 3 69, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाव की अनुप्रवाह गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, अनुप्रवाह, और अपस्ट्रीम कितनी है 10 किलोमीटर, तो नाव शांत जल में 72 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी, ठीक है, कितने समय में तय करेगी, यानी कि अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का क्या मतलब हो गया, यानी कि बोट माइनस में, बोट प्लस में, बोट प्लस में यानी कि वाटर, यानी कि बोट की स्पीड और यानी कि धारा की चाल, यानी कितनी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बोट माइनस का यानी कि धारा इजिकल टू कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं बोट की बात करूं तो बोट कितना हो जाएगा 10 20 24, यानी कि 12, और अगर मैं वाटर की स्पीड करूं तो कितनी हो जाएगी, यानी कि 2। अब कह रहा है कि वो शांत जल में,
यानी कि शांत जल में, यानी कि 72, शांत जल में 72, शांत जल में कितना हो गया, स्पीड कितनी होगी बोट की, यानी कि बोट की, यानी कि 12, यानी कि 12 एक 12, 12 छः 72, यानी कि 6 घंटे लगेगा उसको शांत, ठीक है, यानी कि शांत जल में उसको 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा लगेगा, 6 घंटे, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर, यानी कि 24 मिनट में कितना जा रहा है, यानी कि 18 किलोमीटर। अगर मैं 60 मिनट की बात करूँगा तो कितना जाएगा, यानी कि 18 के बटे में 24 इंटू में 60, ठीक है, 6 3 18, 6 4 24, 4 1 4, 4 5 20, यानी कि 15 3 45, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया भाई, ये हो गई कार की स्पीड, कार की स्पीड कितनी होगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी बस की गति, ठीक है, तो देखो कार की, यदि किसी बस की गति कार की दुगनी है, यानी कि कार की, यानी कि, तो अगर मैं बस की बात करूं तो बस की बात कितनी हो जाएगी, बस की हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या कह रहा है कि 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर सकती है बस, तो बस कितनी होगी 135, डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि जो उसकी चाल हो गई वो होगी 90, यानी कि 45 दूनी 90, 45 3 135, यानी कि 1.5 आवर में। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 90 मिनट में, ठीक है, 90 मिनट, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू क्यू आर और आर पी की औसत आयु कर्मश दे रखी है, ये तो क्यों की आयु बतानी है। देखो क्या है, क्या रखा है कि पी प्लस क्यू, अगर मैं इसकी टोटल आयु की बात करूँ ना तो हो जाएगी 26, अगर मैं बात करूँ क्यू और आर की, अगर मैं क्यू और आर की बात करूँ ना तो वो कितनी हो जाएगी, 14 दूनी 28, और अगर मैं आर और पी की बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी, 24। देखो पी दो बार, क्यू भी दो बार और आर भी दो बार, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 2P+Q+R, ठीक है, इक्वल टू में 20, कितना हो जाएगा 60 70 और 78, ठीक है। अगर मैं पी क्यू और आर की बात करूँ कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 में 18, ठीक है, यानी कि पी क्यू आर इनका टोटल कितना हो जाएगा, 39। अब क्या कह रहा है, क्यू की आयु बतानी है, तो पी और आर की आयु कितनी थी, पी और आर की यानी कि 24 थी, इसमें से मैं 24 घटा दूंगा, 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 15 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, ए 30 दिन में कर सकता है और बी कर सकता है 60 दिन में, ठीक है, यदि वे 5 दिनों तक एक साथ काम कर सकते हैं। देखो इसका एलसीएम ले लिया कितना आ गया, 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, अगर यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि 2 और 1 कितना हो गया 3, और ये 5 दिन तक साथ काम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि 15 यूनिट कर ले रहे हैं वो, यानी कि जो आपका रिमेनिंग कितना बच रहा है, 60 यूनिट थी टोटल और इसमें से 15 यूनिट कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो 45 यूनिट अभी बच रही है, तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह गया, कितना हिस्सा शेष रह गया भाई, 45 तो बच गया ना, और टोटल काम कितना था, यानी कि 60, यानी कि 15 3 45, 15 4 60, यानी कि 3/4 का जो अभी काम बचा है वो बच गया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन था बहुत। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये तो करवा ही दिया मैंने, तब लगता दो बार लग गया क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 बच्चों का औसत वजन कितना है, 22 केजी। अगर मैं 14 बच्चों की, अगर मैं टोटल की बात करूँ ना, 14 दूनी कितना हो जाता है, 14 दूनी 28 की 2, 14 दूनी 28 और 2 3 308, यदि एक अध्यापक का वजन भी शामिल किया जाता है तो औसत केजी कितना हो जाता है, 23। अगर तो देखो 14 तो थे ही और एक बच्चा भी, एक सॉरी एक अध्यापक भी जोड़ लिया तो कितने लोग हो गए, 15। अगर मैं इन सब का निकालूँ टोटल तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15 3 45 की हासिल लगी 4, 15 2 30 और 4 कितना हो जाएगा, 34, यानी कि टोटल कितना हो गया, यानी कि 345। तो बताना है कि अध्यापक का वजन कितना होगा, यानी कि 345 में से 308 घटा दूँ, 15 में से 8 गया 7, यानी कि लास्ट डेट क्या आ गई, 7, यानी कि 37 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगी ना बात, देखें यानी कि यहाँ से एक हासिल लूँगा, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 3 बच जाएगा तो 37 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए कम्प्लीट, ठीक है, ठीक है, तो यार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है, और इसी तरीके से हम मिलते हैं कल के सेशन में, मिलेंगे कल शाम को मिलेंगे 6 बजे, ठीक है, नेक्स्ट सेट के साथ मिलेंगे, और आप मेरे को बताओ भी यार आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं इसमें से, ठीक है, ज़रूर बताओ आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और चलो फिर, ठीक है, चलो।